नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया भला आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रिया भला द ऑप्टिमिस्ट पे। दिवाली बहुत ही नज़दीक है और आपकी सफाइयां डेफिनेटली शुरू हो गई होंगी। आपके घर में वाइट वॉश चल रही होगी, आपके घर में सारी सफाइयां, हर नुक टू कॉर्नर सब कुछ आप साफ कर रहे होंगे। कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो अट्रैक्शन के लिए नहीं है, जो रिमूवल के लिए है, रिलीज करने के लिए है। दिवाली है त्यौहार खुशियों का, अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, हर अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करने का, हर पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में लाने का। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी दुकान, आपका बुटीक, आपकी फैक्ट्री ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है या कुछ ऐसी चीज़ों से भरी हुई है जो पॉजिटिव एनर्जी को आने में रोकती है, तो वो क्या चीज़ें हैं? शुरुआत करूँगी आपकी एंट्रेंस से, जो कि आप मेरी हर वीडियो में मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपनी एंट्रेंस को साफ रखिए। अगर आप कहते हैं ना मुझे कॉल करके कि प्रिया मैम एंट्रेंस पे तो जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, डोंट वरी, नमक के पोचे तो लगवा सकते हैं ना आप। समुद्री नमक ले लीजिए और उसके पोचे लगवाइए, आज से शुरू कर दीजिए काम। जब तक बाहर एंट्री पॉजिटिव नहीं होगी, पॉजिटिविटी अंदर नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुखार है, सोच के देखिए दो मिनट, आपको बहुत ज़्यादा बुखार है और कोई बहुत फेवरेट चीज़ आपके खाने को आ जाती है, तो आप कितने खा पाएंगे? शायद थोड़ी सी, बट थोड़ी देर बाद आपका अगेन आपकी वही तबीयत होगी और आप कहेंगे कि ले जाओ इस चीज़ को यहाँ से, मुझे नहीं खानी। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा मुझे कफ है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है और बॉडी बिल्कुल ब्लॉक फील कर रही है, नोज़ बिल्कुल ब्लॉक है, और अगर मैं आपको कहूँ कि ये परफ्यूम कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? मेरी नोज़ ब्लॉक है, आई कांट फील दिस फ्रेग्रेंस, मुझे पता नहीं लग रहा फ्रेग्रेंस क्या है। तो सेम एनर्जीज काम करती हैं हमारे घर में। अगर आपके घर के अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ये घर। आप जितना भी कर लीजिए, जब तक नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे, ब्लॉकेजेस क्लटर को नहीं निकालेंगे, तब तक पॉजिटिविटी एंटर नहीं कर पाएगी। तो दूसरी नंबर चीज़, अपने घर में अपनी शू रैक को चेक करिए। आज जो भी आपके पुराने चमड़े के आपके सैंडल्स हैं, लेदर के आई एम टॉकिंग, वो आपके जितनी भी पुरानी हैं, कटी हैं, फटी हैं, उनको निकाल दीजिए एंड जो आप नहीं पहनते उनको हटा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो तबीयत, जो आपकी थोड़ा सा कई बार आपको डाउन फील करते हैं या नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, वो करना बंद कर देंगे। राहु का बहुत बड़ा उपाय है ये। तो चप्पलें अपनी सारी हटा दीजिए, सैंडल्स, शूज, अपने हस्बैंड के, वाइफ के सैंडल्स, जो भी आपको लगता है कि आप नहीं पहनते, बहुत टाइम से नहीं पहन रहे, उनको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए घर से सबसे पहले। उसके बाद अगर आप सफाई कर रहे हैं शुरू, या आपकी शुरू हो चुकी है किचन के अंदर स्पेशली, और अगर आप किसी भी ड्रॉर के अंदर किचन की न्यूज़पेपर्स को बिछाते हैं, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अ बिग नो टू न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स की इंक इज वेरी नेगेटिव एंड न्यूज़पेपर्स आर नॉट रिकमेंडेड किसी भी नई चीज़ को या किसी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके अंदर जो इंक होती है वो बहुत ही पॉइजनस होती है, वो आपको नहीं यूज़ करनी अपने किचन में स्पेशली। ध्यान रखिएगा इन बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन प्लीज़ मानिएगा अगर आप रियली एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं पॉजिटिव। तीसरी, मैं चौथी चीज़ की बात करती हूँ, अपने कपड़े जो पुराने हो चुके हैं, फटे पुराने कपड़े जो आप नहीं पहन रहे बहुत दिनों से, उनको हटा दीजिए इस दिवाली, प्लीज़ हटा दीजिए। या तो किसी आश्रम में दे दीजिए, या मेरी आप वो वीडियो देखिए जो मैंने आपको बताया कि पुराने कपड़ों को कैसे देना होता है, कहाँ दान करते हैं, कैसे देते हैं, कौन से दिन को निकालते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिए आप मेरी, फिर आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। अब बात करती हूँ हर कॉर्नर की, जहाँ पर आपके घर में बहुत दिनों से नेगेटिविटी है और आपको पता नहीं चल रहा क्या करें उन कॉर्नर्स का। बाकी सारी वीडियोज में बात करूंगी मैं अभी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने का, अभी बात कर रही हूँ रिलीज करने का। इस वीडियो में बात करेंगे हटाने का नेगेटिविटी। तो क्या करेंगे हर कॉर्नर में? हर कॉर्नर के अंदर फिटकरी रखेंगे, अपने घर के हर कॉर्नर के अंदर फिटकरी को रखिए। नॉर्मल फिटकरी ले आइए और एक कटोरी में ये चार पांच दिन जरूर रखिए, धनतेरस से पहले पहले और धनतेरस से एक रात पहले उस कटोरियों को सारा कप उसको अपनी एल्म को, जिसको हम फिटकरी कहते हैं, फिटकरी को फेंक दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए। और नेक्स्ट डे से, धनतेरस से, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगी, फिर उनको करेंगे धनतेरस वाले दिन से। अभी आपको सबसे पहले नेगेटिविटी को हटाना है। पुरानी घड़ियां, बंद घड़ियां जो काम नहीं कर रही, उनमें सेल डालिए, उनको पहनिए, और अगर आपको नहीं पहननी तो उनको सबसे पहले हटाइए।
अपने बच्चों के पुराने खिलौने, टॉयज। और एक और बात किचन की बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपका आटा रखने वाला कनस्तर है उसको प्लीज़ वॉश कराइए। बहुत टाइम से वॉश नहीं हुआ, उसको वॉश कराइए। जो अगर कोई आटा पड़ा है तो उसको एक परात में निकाल लीजिए और फिर वापस उसको धो के धूप लगा के वापस वो आटा डाल दीजिए। इन चीज़ों को साफ ज़रूर कराइए। जहाँ पर आप अपना चावल स्टोर करके रखते हैं उसको साफ करिए, जहाँ पर चीनी स्टोर करके रखते हैं उनको साफ करिए, जो आपकी स्पाइसेस का जो बॉक्स होता है उसको साफ करिए। सफाई के ऊपर पूरा गौर करिए और जो दीवारें हैं उनको साफ कपड़े से साफ करिए, पुराने कपड़ों से साफ बिल्कुल मत करिएगा। बेटर है कि वाइट कपड़ा लेके, जो सूती कपड़ा होता है उससे आप अपने अपने वॉल्स को साफ करिए, अपने मेन डोर को साफ करिए। और साथ साथ साफ करने के बाद अपने मेन डोर के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाइए, थोड़ा सा इत्र लगाइए साफ करने के बाद। तो अभी हमने इस वीडियो में बात करी कि नेगेटिविटीज को कैसे रिमूव करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको हटा दीजिए, जो भी आपको लगता है वायर से रिलेटेड चीजें हैं, छत के ऊपर अगर कबाड़ पड़ा है हटा दीजिए इस दिवाली, प्लीज हटा दीजिए, तभी एनर्जीज अट्रैक्ट कर पाएंगे, वरना बहुत स्ट्रेस होता है घर में। लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्यार ना होना, आपस में एक एक तकरार सी रहनी विदाउट एनी रीजन, खामखा के अंदर घर में बिल्कुल भी इंजॉय ना कर पाना, ये सब चीजें स्टक एनर्जीज की हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो घर में पड़ी हैं, कोई टूटे कांच है, पुरानी लकड़ी है गीली, कोई कोई बालकनी के अंदर आपने ऐसी चीजें रखी हुई है। और जो वर्ड आता ना एक लाइन कि ये तो यूज करेंगे, कब करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, कब करेंगे? मुझे तो वो जरूरत आज तक नहीं पड़ी, बिलीव मी। और अगर पड़ी तो उन चीजों की तो बिल्कुल नहीं पड़ी जो 6 साल से मेरे घर में बंद पड़ी होंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो आज सफाई के अंदर ये चीजें जरूर शामिल करिए, देखिए कॉर्नर्स के अंदर क्या चीज है, अपने स्टोर रूम में जाइए, आज ओपन करिए अपने स्टोर रूम को, देखिए जो चीजें पिछले 1 साल से यूज नहीं, वो यूज की नहीं है, उनको हटा दीजिए, तभी हमारे घर में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी सेहत, खुशियां, प्यार, मोहब्बत सब कुछ एंट्री करेंगे, सब चीजें धीरे धीरे हमारे घर में आएंगी, अगर हमारे घर में जगह होगी पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने की। तो आज ही ये करिए, और अब जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगी कि पॉजिटिविटीज को कैसे अट्रैक्ट करना है। अभी तो हमने रिलीज करा, अब हम भुलाएंगे। तो उससे पहले कुछ भी आपको डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, अगर आपको कुछ भी पूछना है। मेरा नंबर है 9811709225, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।